की खोखली नजर आने लगी। इन्हें बताना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। इस वक्त इन्हें 10,000 रुपए मिल रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, इन्होंने बताया। कम से कम यही नाइंसाफी प्रधानमंत्री जी सुबह फोन कर यूपी सरकार से दूर करवा दें। प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस को काफी महत्व देते हैं, तो फिर वे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि यूपी के शिक्षा मित्रों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम और दूसरे राज्यों से भी कम सैलरी मिल रही है। हरियाणा में 12 महीने वेतन मिलता है और एक महीने का 21,714 रुपए। पंजाब में 12 महीने वेतन है और एक महीने की सैलरी 19,400। महाराष्ट्र में 12 महीने वेतन है और एक महीने की सैलरी 35,000। तो फिर यूपी में क्यों 11 महीने का वेतन, वो भी 10,000 दे रहे हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से पर। हमने शब्दशः अनुवाद तो किया नहीं, अंग्रेजी में फैसले होते हैं वो भी एक मुश्किल काम है, हिंदी में लिखे नहीं जाते, फिर भी आखिरी पैराग्राफ का सार हम पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन की तारीख के बाद, अब ये सब तकनीकी बातें आपको समझने की जरूरत है, शिक्षकों के नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम पात्रता तय की गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसके तहत शिक्षा मित्र नहीं आते हैं, जिसके कारण उन्हें रेगुलर नहीं किया जा सकता है। इस न्यूनतम पात्रता के बगैर कोई नियुक्ति नहीं हो सकती और इस केस में नियुक्ति 2010 के बाद हुई है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति न सिर्फ ठेके पर हुई थी, बल्कि शिक्षक बनने की पात्रता या शिक्षक को मिलने वाले मानदेय के हिसाब से भी नहीं हुई थी, ये कोर्ट कह रहा है। इसलिए इन्हें शिक्षक के रूप में नियमित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपवाद स्वरूप फैसले दिए हैं वो मौजूदा केस के संदर्भ में लागू नहीं है। हमारा मानना है कि शिक्षा मित्र कभी भी शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हुए थे और न ही ये सर्व शिक्षा अभियान कानून की धारा 23(2) के तहत मिली छूट के दायरे में आते हैं, इसलिए भी इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। राज्य सरकार को अपनी तरफ से छूट देने का अधिकार हासिल नहीं है। एक तरफ हमारे सामने नियमों का उल्लंघन कर 1,78,000 लोगों को नियमित किए जाने का दावा है, तो दूसरी तरफ हमारा दायित्व है कि हम कानून के राज को कायम रखें। हमें इस बात का भी सम्मान रखना है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को उचित तरीके से प्रशिक्षित शिक्षकों से शिक्षा मिले। अदालत